मैं वीणा राठी। आज हम सत्तू डेकोरेशन में डॉल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सत्तू का आटा घी शक्कर डाल के भिगा के तैयार चाहिए है, और कुछ मेवा चाहिए है, लौंग, इलायची दाना, टूटी फ्रूटी, पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू, और दो कलर चाहिए, रेड कलर और ग्रीन कलर, ये फूड कलर आते हैं, चक्कू, चम्मच, कुछ पेन के ढक्कन, टूथपिक, एक डिश जिसपे हम पिंडा बनाएंगे, नैपकिन और सत्तू का आटा। अब हम बनाने जा रहे हैं दाल। इसके लिए हमने ये दालिया का थोड़ा आटा लेके उसमें थोड़ा ग्रीन कलर डाल के एक इस प्रकार का डो बना के रखा है, और एक में लाल कलर डाल के इतना डो बना के रखा है। अब हम बनाने जा रहे हैं दाल। सबसे पहले हम दालिया का आटा यूज़ करेंगे। ये दाल आप पिंडे पे बना सकते हैं, पिंडा पूरा बॉक्स में बनता है, बॉक्स के ऊपर आप ये दाल बना सकते हैं। दाल के लिए हम जो पिंडे में जो पहले नारियल डालते उसके ऊपर आप सत्तू से पूरा पैक कर दीजिए नारियल को। नारियल को सत्तू से पूरा पैक कर दिया है, इसे हम थोड़ा गोल गोलाई में ले लेकर पिंडे के बीचों बीच लेंगे। बाद में थोड़ा सत्तू मैश करके उसकी लंबी लोई बनाएंगे। इस प्रकार लोई बना के ये इस गोलाई के बाजू में गोल में लगाएंगे। फिर चक्कू के पीछे वाली नोक से थोड़ा हल्के से प्रेस करेंगे नीचे की ओर टेढ़ा। चक्कू को बार बार पोछेंगे ताकि ये इससे चिपक न जाए। इसे हम टूटी फ्रूटी से पहले डेकोरेट कर लेंगे। इस प्रकार नीचे का पोर्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने हरे कलर का डो में, हरे कलर के आटे में थोड़ा थोड़ी थोड़ी लोई लेके उसकी हम पत्ती बना रहे हैं। इस प्रकार पत्ती बनाएंगे। उसे चाकू से शेप देंगे पत्ते वाला। इस प्रकार नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हमने कुछ पत्तियां बना के तैयार रखी है। एक एक पत्ती को उठाते हुए हम नीचे की ओर चिपकाएंगे। उंगली से हल्का प्रेस करना है। इस प्रकार एक लेयर तैयार हो गई। इसे फिर से थोड़ा उंगली से प्रेस कर देंगे ताकि ये छूटे ना। दूसरी लेयर करने जा रहे हैं। दो पत्ती के बीच में एक पत्ती थोड़ी ऊपर उठाते हुए लगानी है। पत्ती को सिर्फ ऊपर से ही प्रेस करना है। इस प्रकार दूसरी लेयर भी तैयार हो गई है। फिर से इसे थोड़ा प्रेस कर दिया है। फिर हम तीसरी लेयर बनाने जा रहे हैं। फिर से दो के बीच में एक पत्ती लगानी है। इस प्रकार हमारी सारी पत्तियां लग चुकी हैं। अब हम डॉल का फेस बनाएंगे। उसके लिए पहले डालिए का आटा थोड़ा सा थोड़ी सी गोली लेके इसे यहाँ फिक्स कर देंगे। इसके बीच में एक टूथपिक घुसाएंगे पूरी तरह अंदर। अब इसके ऊपर हम फेस बनाने जा रहे हैं। आटे को अच्छी तरह मैश करना है। मैश करने के बाद इस प्रकार से एक गोली तैयार करके ये गोली इस टूथपिक में लगानी है। इसको इलायची के दाने दो लगाकर इसकी आंखें बनाएंगे। बाद में थोड़ा सा आटा लेके उसकी नाक बनाएंगे।
इस प्रकार का शेप देंगे नाक के लिए, ओट बनाएंगे पतला काट कर। अब इसके बाल बनाएंगे ऊपर से, थोड़ा सी लोई लेके उसकी लंबी बत्ती बेल के उसे प्रेस करेंगे हल्के हाथ से। इसके ऊपर कुछ लाइनिंग करेंगे हल्के हल्के, चाकू पर उठा के इसे इसके माथे पे पैक करेंगे, पैच करेंगे। ये हमारी गुड़िया के बाल बन गए। अब हम इसका टॉप बनाने जा रहे हैं। टॉप के लिए हमने लाल कलर का डो यूज़ किया है। इस डो की लंबी गोली बनाकर उसे इस प्रकार से, फिर हाथ में लेकर अंगूठा बीच में रखते हुए धीरे 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 पतला करना है। इस प्रकार से टोप का शेप बन जाएगा। इसे हम पहले ही थोड़ा डेकोरेट हाथ पर ही कर लेते हैं। पेन से नीचे गोल गोल बनाए हैं। फिर टूथपिक से थोड़ा कुछ लाइनिंग बनाए हैं। इसमें ऊपर से एक लॉन्ग लगाया है, इसे चाकू पर उठाते हुए हल्के हाथ से डॉल के सिर पे रखेंगे। इस प्रकार हमारी डॉल तैयार हो गई है। हम इसके बाजू में कुछ गुलाब के फूल और पत्तियों से भी इसका डेकोरेशन करेंगे। हमारी डॉल तैयार हो गई है। या पिंडे पे बना सकते हैं, सेपरेट भी बना सकते हैं, कंपटीशन के लिए भी बना सकते हैं।